नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के गढ़वा से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सनकी आशिक ने छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी, इसके बाद ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवक अपने रिश्ते में भतीजी लगने वाली लड़की को दिल दे बैठा था। मृतका ने जब उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो गुस्से से तिलमिलाई युवक ने उसकी जान ले ली। सनकी आशिक की इस करतूत से परिजन और इलाके के लोग दंग रह गए। पूरी वारदात मंगलवार की बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर जांच में जुटी हुई है। जिले में खरौंदी थाना क्षेत्र के करवाड़े गांव में मंगलवार को एक तरफा प्यार में युवक ने गोली मारकर छात्रा की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी इम्तियाज अंसारी फरार हो गया था। इसके बाद गढ़वा रोड चौपन रेलखंड पर नगर ओंटारी के रेलवे फाटक के पश्चिम दिशा में पोल संख्या 44/27 के समीप सुसाइड नोट लिखकर मालगाड़ी के समीप कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटना स्थल पर RPF के जवान और स्थानीय थाना पुलिस ने लिखे हुए सुसाइड नोट के माध्यम से युवक की पहचान की। बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के समीप कूदने से हत्या करने वाले उक्त युवक के दोनों पैर कट गए थे, वहीं उसके शरीर के कई स्थानों पर कटने के निशान मौजूद थे। युवक के शव के कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक में पड़े एक कॉपी के पन्ने पर सुसाइड नोट लिखा हुआ था, जिसमें उक्त युवक ने अपना नाम, पिता का नाम, भाई का नाम और अपने ग्राम का पता साथ ही साथ लिखा था कि खुदा के लिए मेरी लाश मेरे घर भिजवा देंगे। घटना के बाद नगर उंटारी की पुलिस ने शव की पहचान की। पुष्टि के लिए मृतक युवक के परिजनों को बुलाकर शव की शनाख्त करवाई, जिसके बाद परिजनों ने इसकी पुष्टि की। DSP नगर उंटारी ने परिजनों से शव की शनाख्त के बाद बताया कि मृतक ने कैसे और कब ट्रेन से कटकर जान दे दी, इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।